तो वही कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने विवादित बयान दिया है। बिना नाम लिए बीजेपी को जय श्री राम का नारा लगाने वाला राक्षस बताया है। राशिद अल्वी ने रामायण का एक किस्सा सुनाया और कहा कि धरती पर जय श्री राम का नारा लगाने वाले इन कालनेमी राक्षसों से होशियार रहना चाहिए, जिस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा रामेश्वर शर्मा ने, हम आपको सुनाते हैं। बकरी और शेर एक धाम पे पानी पीते हैं, उस राज्य के अंदर नफरत कैसे हो सकती है? लेकिन आजकल कुछ लोग देश के लोगों को जय श्री राम का नारा लगा के गुमराह भी करते हैं। ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए। मैं अपनी बात लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन रामायण में आता है कि जब लक्ष्मण जी की हालत खराब होती है और कहा जाता है कि संजीवनी बूटी सूरज निकलने से पहले आनी चाहिए, वरना जिंदगी बचना मुश्किल है, तो हनुमान जी की जिम्मेदारी लगाई जाती, जाइए संजीवनी बूटी लेके आइए हिमालय पहाड़ से। उधर रावण एक राक्षस को संघ बना के भेज देता, उसे तो वक्त खराब करना था कि सवेरे से पहले संजीवनी बूटी आनी नहीं चाहिए, हनुमान जी ऊपर जा रहे, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते, हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते, वो तो भक्त हैं, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मान सरोवर के अंदर स्नान करो, बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। ये अलहदा बात है आचार्य जी, आज जो जय श्री राम बोलते हैं बगैर स्नान के बोलते। हिंदुस्तान के हिंदुओं को कभी सम्मानित तो नहीं किया तुमने, हिंदुस्तान के हिंदुओं के राम को कभी अपना पूर्वज तो नहीं माना तुमने, राम पर जो कमेंट्स किए वो भी साबित होगा, और जय श्री राम बोलने वालों को आपने राक्षस कह दिया। अरे राक्षस तो राशिद अल्वी तुम और तुम्हारे पुरखे हैं, जिनने हिंदुस्तान के हिंदुओं के मंदिर तोड़े, जिनने लाखों बहनों की इज्जत लूटी, जिनने करोड़ों गौमाता की हत्या की और हिंदुस्तान को अनेक तरह के दंश दिए, हिंदुस्तान को अनेक तरह से लूटने का काम तुम्हारे पूर्वजों ने किया है। राशिद अल्वी तुमसे यही उम्मीद थी। सोनिया गांधी, क्या एक के बाद एक हिंदुस्तान में कितने हिंदुओं के अपमान